हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। एनसीबी की पूछताछ में लगातार रो रहे आर्यन, शाहरुख खान से 2 मिनट हुई बेटे की बात। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज में हो रही ड्रग्स पार्टी के मामले में रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को उसे कस्टडी में लिया और उनसे ड्रग्स मामले में पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान आर्यन खान टूट गए। इंटरोगेशन में आर्यन अपने आंसू नहीं रोक पाए और रोने लगे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन से फोन पर बात की है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत एनसीबी ने अपने लैंडलाइन फोन से आर्यन की अपने पापा से करीब 2 मिनट बात करवाई। इस दौरान आर्यन पूछताछ में लगातार रो रहे हैं। बता दें कि एनसीबी पूछताछ में हुआ खुलासा कि आर्यन करीब 4 साल से ड्रग्स सेवन कर रहा है और भारत के बाहर भी यूके, दुबई या फिर बाकी अन्य देशों में आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया। आर्यन और अरबाज लगभग 15 साल से दोस्त है। आर्यन फिल्म मेकिंग से भी जुड़ा हुआ है। इससे पहले एनसीबी ने क्रूज में अपनी छापेमारी और वहां से बरामद किए ड्रग्स पर बयान जारी किया था। एनसीबी ने टिप के आधार पर क्रूज पर कार्रवाई की थी। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने आरोपी के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीए की 22 गोलियां और करीब 1.5 लाख की नकदी जब्त की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त आर्यन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो एनसीबी की कस्टडी में बेहद परेशान नजर आ रहा है और अब आर्यन की फाइनली अपने पापा से लगभग 2 मिनट बात हुई है। क्या कुछ समझाया है शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन को उस दौरान फोन पर बात करते वक्त, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में आर्यन पर क्या बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही।